हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुमन निगम डेली रेसिपीज़। देखिए आज मैं फालूदा बनाने जा रही हूँ। फालूदा बनाने के लिए मैंने फालूदे का पैकेट लिया मार्केट से लेकर के आए, और फालूदा देखिए प्लेट में निकाल लिया और गैस पे दूध चढ़ाया है। दूध हमारा उबलने लगा है, अब इसमें हम फालूदा डालेंगे क्योंकि फालूदा गर्मी का सीज़न चल रहा है, आइसक्रीम खानी है तो घर में बढ़िया फालूदा बना करके आइसक्रीम के साथ खाइए फालूदा। देखिए अब इसको दूध में डाल करके उबालेंगे। ये रोज वाला फालूदा है और इसको दूध और बराबर चलाते रहेंगे, नीचे से लगना नहीं चाहिए। देखिए बच्चों को सभी को आइसक्रीम के साथ बढ़िया फालूदा डाल करके आइसक्रीम खिलाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी लगती है, बच्चे बहुत चाव के साथ खा लेते हैं। आइसक्रीम तो वैसे ही सभी को पसंद होती है। देखिए ये बॉयल हो रहा है और इसमें देखिए सब्जा सीड भी पड़े हैं। सब्जा सीड हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो ये देखिए बढ़िया। और लोग कुल्फ़ी में फालूदा डाल करके खाते हैं, और आप आइसक्रीम में भी फालूदा डाल करके खाइए तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगेगा। और इसको कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए फालूदा हमारा पक रहा है, बढ़िया ये पक रहा है। और आपको यदि पकाते पकाते थोड़ा गाढ़ा भी लगने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए तो ये बढ़िया पक जाएगा। आप बहुत गाढ़ा इसको नहीं करिए, थोड़ा सा पतला ही रहे। अभी देखिए हमारा ये पक रहा है लेकिन अभी देखिए ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, और यदि जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा दूध मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए फालूदा हमारा बन गया, मैंने गैस बंद कर दी है। और ये देखिए फालूदा, देखिए हाथ से छू करके इसको देखिए ये पक गया है, तो ये अच्छे से फालूदा पक जाता है। और इसको 2 मिनट ढक के रख देंगे, फिर फ्रीजर में रख देंगे, इसको ठंडा हो जाएगा, तब उसके बाद आइसक्रीम में डाल करके इसको खाएंगे। आइसक्रीम प्लेट में रख लिया, अब हमारे फालूदे की बारी आई है। अब बढ़िया फालूदा डाल करके आइसक्रीम को खाइए। बढ़िया ठंडा ठंडा आइसक्रीम और फालूदा। इसमें जो सब्जा सीड पड़े होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे। आप आइसक्रीम और सब्जा